हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन सारे बैंक्स में आज हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। बंधन बैंक, आईडीबीआई बैंक 8-8% ऊपर है एंड आरबीएल तो 10% ऊपर है। बट टेक्निकली साउंड किया जाए एंड फंडामेंटली देखा जाए तो बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक टेक्निकली तो वीक थे, बट फंडामेंटली बहुत वीक थे क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए थे। आफ्टर दैट अगर बंधन बैंक के देखे तो 260 का जो 52 वीक लो था उस पर्टिकुलर रेंज को स्टॉक ने तोड़ा नहीं, हालांकि 270-280 तक ये स्टॉक चला गया था आफ्टर द रिजल्ट एंड उसके बाद आज हमने स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी देखा। बट इस पर्टिकुलर रिकवरी में आप ट्रैप नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीबीआई बैंक, सारे बैंक में 8-10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पर्टिकुलर स्पाइक के पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, मे बी सम फंड बाइंग एंड रिजल्ट के बाद बंधन बैंक बहुत करेक्ट हो चुका था। ये 260 के नीचे तो नहीं गया बट 270-280 के जोन तक चला आया था। आफ्टर दैट ये जो बाइंग है इसके पीछे कुछ हद तक न्यू बाइंग एंड कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी शामिल है, बट रिजल्ट आर वेरी बैड जिस कारण स्टॉक गिरा था। सो आपको इस पर्टिकुलर चीज पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। जो अच्छे बैंक है आप उसके साथ रहिए, लाइक फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है, इवन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट आरबीएल बंधन बैंक एट दैट मोमेंट इज नॉट द बेस्ट बाय फॉर रिटेल इन्वेस्टर। आप ट्रैप हो सकते हो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के आज डे रेंज देखे 284 से 313, 52 वीक्स हाई 430। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखे, आज स्टॉक ने फिर से 50,000 करोड़ के मार्केट कैप को अचीव किया। देयर इज नो पी बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स को देखे तो सिंस यस्टरडे RSI एंड MFI जो था वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के करीब था। MFI तो ओवरसोल्ड जोन के नीचे चला गया था जो कि 30 के नीचे, 70 पर स्टॉक ओवर बोट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है इन RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स। RSI में इसको 39.6 था यानी स्टॉक बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के करीब पहुंच गया था, बट इसके रिजल्ट बहुत खराब थे एंड जो रिटर्न स्टॉक ने दिया 1 वीक में जस्ट पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दिया है, जिसमें आज ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8-9% रिटर्न दिया। 1 मंथ का रिटर्न भी 8% है, 3 मंथ का 7% एंड 6 मंथ का -5%। सो रिटर्न वाइज भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट किया एंड 1 ईयर में ओनली 7.78%। अगर इस स्टॉक का हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सिंस यस्टरडे स्टॉक अपने 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट सडनली आज स्टॉक ने हमने 8% बाइंग दिखा जिस कारण एट द मोमेंट स्टॉक अपने सिर्फ 200 एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल मूविंग एवरेज से दूर है जो है 316। स्टॉक ने 300 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट आई एम नॉट दैट मच बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा या आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जब तक इस पर्टिकुलर बाइंग के पीछे मेन रीजन पता नहीं चलता तब तक रिटेल इन्वेस्टर को इससे दूर रहना है। अगर इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 313 है, 316, 320, दीज आर द रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट है एट दैट मोमेंट वो 300 का हो चुका है। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक में बाइंग किया है ना प्रॉफिट में तो 300 का स्टॉप लॉस रखकर आप ट्रेड कीजिए। अगर 300 के नीचे फिर से जाता है डेफिनेटली 280-290 तक ये जाएगा एंड बहुत टाइम तक इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर बैंक एंड क्यों नहीं है देख लीजिए। जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी के Q2 के रिजल्ट को नहीं देखा जो 2-3 दिन पहले ही आए थे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है क्योंकि जो रेवेन्यू है वो 3,181 करोड़, ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट -4,520 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह वो लॉस था 4,029 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 496 करोड़ का प्रॉफिट था एंड नेट प्रॉफिट -3,009 करोड़ यानी 3,009 करोड़ का लॉस एंड लास्ट क्वार्टर में 373 करोड़ का प्रॉफिट था यानी इन द लास्ट 12 क्वार्टर सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में बैंक ने दिया है। आई डोंट नो दोज हु बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आरबीएल का तो फिर भी ठीक है, चलो लॉस मेकिंग से थोड़ा प्रॉफिट आरबीएल बैंक ने कमाया है, बट स्टिल दिस बैंक इज नॉट गुड। अगर आपको बाइंग करना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या फिर दिग्गज एक्सिस बैंक में बाई कीजिए जो बहुत ही नीचे एट दैट मोमेंट आ चुका है एंड जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी है। 3,000 करोड़ का लॉस जिस बैंक ने किया, लुक एट द एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए 10.82 वर्सेस 8.18 एंड नेट एनपीए 3.04 वर्सेस 3.29। थोड़ा नेट एनपीए घटा, आई डोंट नो हाउ, बट ग्रॉस एनपीए का फिगर बहुत बड़ा है एंड बहुत ही ऊपर चला गया है। जो बैंक पहले 2% के नीचे अपने ग्रॉस एनपीए को मेंटेन करता था उसका ग्रॉस एनपीए अगर 10.82% चला गया, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, सो रिटेल इन्वेस्टर डोंट ट्रैप। कोई आपको कुछ भी बोले बाय कीजिए, ये स्टॉक 350-400 जाएगा, जाने को तो जा भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल इतना खराब हो क्यों उसमें ट्रैप होना। वैल्यूएबल आपका हार्ड अर्न मनी है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, HDFC जैसे कंपनी इन्वेस्ट कीजिए जिसने शानदार रिजल्ट दिखाया है, बहुत सारे गुड ऑप्शन है, तो डू नॉट ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर हम इस कंपनी के पीयर्स के साथ भी थोड़ा कंपटीशन कर ले, सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर सेक्टर
HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडोसिन जैसे शानदार कंपनी शामिल है जिनके रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। एंड SBI तो टुमारो अपने रिजल्ट को भी डिक्लेयर करेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग नंबर्स होने वाले हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस ऑलरेडी अपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट को डिक्लेयर किया। IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट शानदार है, जो PSU बैंक से लाइक उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया, यहाँ तक के फेडरल बैंक जिसने भी बहुत शानदार रिजल्ट डिक्लेयर किया। ऐसे बैंक्स में रहिए जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिट में आप जरूर आओगे। स्टे अवे फ्रॉम बंधन बैंक, इट्स माय रिकमेंडेशन फॉर यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।